तो ये फ्रिज है और इसको हमें चेक करना है कि इसमें लीकेज हुआ है कि चोक हुआ है या गैस है या नहीं है या कम हो गई है, ये कंफर्म करना है। तो कैसे कंफर्म करेंगे, देखिए कोई फ्रिज अगर आप बनाने जा रहे हैं तो सबसे पहले किसी भी पाइप को वेल्डिंग गन से गर्म कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें गैस होती है, अगर गर्म करेंगे तो तेजी से निकल सकती है और वहां विस्फोट जैसा हो सकता है। लेकिन हमें क्या करना है, सबसे पहले अगर उसके चार्जिंग लाइन में, यहां नजदीक से दिखाइए, अगर उसके चार्जिंग लाइन में इस तरह का एनआरबी वाल्व लगा हुआ है तो सबसे पहले इस वाल्व को खोलना होगा हमें। देखिए ये वाल्व टाइट किया गया होगा, तो सबसे पहले इस वाल्व को हम खोलेंगे और देखेंगे कि क्या इसमें से गैस निकल रही है। देखिए पिन को दबाएंगे, इसके अंदर पिन होती है, इस पिन को दबाएंगे तो देखिए इसके अंदर क्या निकल रहा है, ये देख रहे हैं ना, कुछ झाग जैसा निकल रहा है। ये देख करके भी आप जान सकते हैं कि इसमें चोक हुआ है और इसमें देखिए तेल जैसा क्या पॉइंटर निकल रहा है ना, तो देखिए इस तरह से इसमें गैस निकल रही है तो इसका यह मतलब है, और तेल भी निकल रहा है, देखिए तेल इसका है ना, तो इसका यह मतलब है कि यह चोक है और इसमें गैस है और यह लीकेज नहीं है। लेकिन क्या यह चोक है, कंफर्म है? अगर यह बात जानना है तो हम देखिए यहां पर क्या करते हैं, चलिए इस फ्रिज को चालू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करें, एक पाइप ले लेते हैं इस तरह की, रबड़ की चार्जिंग पाइप, और रबड़ की चार्जिंग पाइप में दो पॉइंट होते हैं, हमने आपको कई बार बताया है, एक तरफ पिन में देखेंगे अंदर कुछ दिखाई देता है, दूसरी साइड में कुछ नहीं दिखता है, जिधर कुछ दिखता है उसको उसी तरफ लगाना होता है जिधर पिन हो दबाने के लिए। तो ये जो वाल्व है हमें इसी तरफ लगाना होगा। अब देखिए हमें क्या लगाना है, सबसे पहले ये गेज है और गेज में हम यहां पर कंपाउंड गेज ही लगा रहे हैं, जो हमारा ब्लू वाला, क्योंकि हम इससे सारे काम कर सकते हैं। एक बार हम इसमें लगा देते हैं गेज के, हमने सीधा निचले सिरे में इसको लगाया है। देखिए अगर ये सिंगल वाला होता, मैनिफोल्ड गेज हमारा है ये, अगर ये सिंगल होता कंपाउंड गेज केवल, तो भी उसके निचले सिरे में लगाते। पाइप का दूसरा सिरा यहां पर लगा दे रहे हैं, इससे क्या होगा, हमारी ये सुई पता चलेगी कि हमारे इसके अंदर गैस कितनी है। देखिए यहां पर ये सुई थोड़ी सा आगे बढ़ी है ना, देखिए तो इतनी गैस है। लेकिन इस फ्रिज को हम चालू करेंगे और फिर देखते हैं इसके साथ क्या होता है। देखिए हमने चालू किया, स्विच को ऑन किया यहां पर, और कंप्रेसर मोटर हमारा चालू हो गया। अब इसकी सुई देखिए क्या वही रुकी है या धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रही है। देखिए धीरे धीरे अगर नीचे जा रही है तो ये भी हमारा तरीका है कि ये चोक है। सुई को नीचे तो उतना जाना चाहिए नॉर्मली, अगर बंद होने की अवस्था में जो प्रेशर होता है वो अलग होता है और रनिंग प्रेशर 10 से 12 होता है। लेकिन अगर सुई हमारी माइनस में जा रही है, बिल्कुल जीरो से नीचे, देखिए यहां पर आइए नजदीक से दिखाइए, देखिए बिल्कुल सुई जीरो पे आ गई और जीरो से भी नीचे अभी जा रही है। अगर थोड़ी देर इसको चलाया जाए, ये देखिए जीरो से भी नीचे जा रही है, इसका मतलब भी सिस्टम चोक होता है। वो हम आपको कंफर्म करके दिखाते, देखिए सुई जीरो के नीचे चली गई, कंप्रेसर की आवाज में डिफरेंट आ जाएगा, इस पे लोड अधिक पड़ने के कारण इसकी आवाज बिल्कुल साइलेंट होने लगेगी और बिल्कुल आराम आराम से ये चलने लगेगा। अब अगर इसके गैस को हमें निकालना है, उड़ाना है, तो क्या करें हम, देखिए सबसे पहले स्विच को ऑफ करें, यहां पर हमने पावर को ऑफ कर दिया, बंद कर दिया, सॉकेट को निकाल दिया। अब क्या करें, ये जो रेड वाला गेज है ना, इसके हैंडल को हम तो नहीं, ये ब्लू वाले कोई हैंडल को खोलते हैं तो यहां से गैस निकलेगी, फ्रिज के अंदर जो गैस होगी वो निकलेगी। देखिए यहां से फ्रिज के अंदर से जो गैस होगी वो निकलेगी, तो देखिए वाल्व को हमने खोल दिया फिर भी कोई गैस नहीं निकल रही है। अब हम इसके यहां से नट को भी खोल देते हैं और देखते हैं क्या इसके अंदर से गैस निकलती है, देखते हैं। तो देखिए इसके अंदर से भी देखिए गैस नहीं निकल रही है, और यहां से जो इसके अंदर पिन के अंदर वाल्व है वो भी खोल देते हैं, क्या देखते हैं इसके अंदर से गैस फिर निकलती है कि नहीं निकलती है, और अगर निकलती है तो कितना निकलती है। इससे हमें यह भी पता चलने वाला है अभी कि चोक अगर है तो कहां है। इसके वाल्व को हम पहले इसकी पिन को खोल देते हैं, और पिन को खोलने के बाद फिर आपको दिखाते हैं। देखिएगा ये पिन है और इसके अंदर इसी के ढक्कन से हम इसको खोलते हैं, तो देखिए ये पिन को हमने खोल दिया। अब देखिए ये पिन निकल गई, इसके अंदर जो गैस थी थोड़ी बहुत वो गैस भी निकल गई, और देखिए वाल्व तो यहां पर हमने निकाल दिया, एनआरबी पिन को चार्जिंग पिन से हमने खोल दिया, चार्जिंग लाइन से एनआरबी वाल्व को बाहर निकाल दिया। क्या अब इसके अंदर कहीं भी हवा नहीं है, क्या अब हम इसको वेल्डिंग करके खोल सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। अभी भी ऐसा हो सकता है ये डिस्चार्ज लाइन से हवा फेंकी है ना, इसके कंडेंसर में गई होगी। मान लीजिए कि कैपिलरी ट्यूब चोक है तो पूरी हवा इस कंडेंसर में रुकी होगी, अगर यहां से वेल्डिंग करके खोलने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, विस्फोट कर सकता है। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले अगर इस तरह का पिन आप यहां पर लगाए हैं, देखिए ये हमारा फिल्टर है और फिल्टर के पास हमने यहां पर एनआरबी लगाया हुआ है, अगर इस तरह का यहां पे लगा है तो आप यहां से दबा के खोल सकते हैं, अगर ये नहीं लगा है तो इस पाइप को यहां से काट के खोल सकते हैं। अभी हम आपको दोनों तरीके से खोल के आपको दिखाते, देखिए सबसे पहले यहां पर हमने पिन लगाया है, अब इस पिन को हम ये दबाएंगे, ये जो पिन है इसको हम दबाएंगे, देखिए इसके अंदर से हवा निकलती है क्या, देखिए
देख रहे हैं कितना हवा निकल रही है इसके अंदर और ठंडी हवा, मतलब यहां से हमने एनआरबी पिन को खोल रखा है चार्जिंग वाल्व को, फिर भी यहां से गैस निकल रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो फिल्टर है यहां तक तो हवा आ रही है, मतलब ये जो कंडेंसर है ना, कंडेंसर चोक नहीं है, चोक या तो फिल्टर होगा, अगर फिल्टर है कि नहीं ये कंफर्म करने के लिए पाइप को यहां से काटना होगा, या तो फिल्टर या कैपिलरी ट्यूब या फिर एवापोरेटर। तो फिल्टर को भी अगर कंफर्म करना चाहते हैं तो हम यहां से कंफर्म कर सकते। देखिए ये चार्जिंग वाल्व को अगर ये सक्शन लाइन को कंफर्म करना है ना तो यहां से हमें काटना होगा, लेकिन अगर यहां हवा आती तो इस वाले वाल्व से जरूर निकलती, क्योंकि सक्शन लाइन और चार्जिंग लाइन दोनों एक ही होती है। तो हम क्या करें, यहां से देखिए कैपिलरी ट्यूब को काटने की कोशिश करते हैं। देखिए थोड़ा सा काटेंगे और देखते हैं गैस किस प्रकार से निकलती है। अगर ये गलती से ज्यादा कट गया तो यहां पर क्या करेगा, गैस लीक करने लगेगी। देखते हैं कितना कटता है, तो हम चाह रहे हैं कि थोड़ा सा ही कटे, तो इसको यहाँ पर हमने निशान बना लिया और मोड़ते हैं इसको, देखते हैं थोड़ा सा ये कटे और इसके अंदर जो गैस है वो निकलेगी। देखिएगा थोड़ा सा काटना, देखिए गैस निकलना शुरू हो गई है, और अगर इसको हम पूरा काट देते हैं आपको दिखाने के लिए ताकि गैस निकलता हुआ दिख पाए, तो देखिएगा हम काट देते हैं, देखिए इस तरह से ये पूरा आपको दिखाई नहीं दे रहा है और गैस लेकिन निकल रही है, इसके अंदर से गैस निकल रही है बिल्कुल। आवाज अगर सुन पाएंगे तो हम आपको आवाज सुनाते हैं। देखिए ये कैपिलरी ट्यूब से यहां से फिल्टर के आउटपुट से गैस निकल रही है। अभी हम आपको यहां पे एक चीज और, इसका जो ये एनआरबी पिन है इसको दबा करके दिखाते हैं। देखिए यहां से गैस निकल रही है, अब इसकी पूरी गैस निकल चुकी है, यानी कि देखिए यहां तक इसमें कंडेंसर में गैस रुकी हुई थी और अब जाके ये पूरी गैस निकल चुकी है। तो सिस्टम में क्या हुआ है, क्या सिस्टम लीकेज है, ऐसा नहीं है, तो हमें पहले ही कंफर्म हो गया कि लीकेज नहीं है, चोक है। लेकिन चोक को हम कई तरीकों से समझ सकते हैं। अब इससे हमें यह भी पता चला कि जो चोक है वो कंडेंसर में नहीं है, क्योंकि कंडेंसर के आउटपुट, फिल्टर के आउटपुट तक गैस जा रही है, चोक या तो कैपिलरी ट्यूब में है या फिर एवापोरेटर में है। तो अब हमें उसको क्या करना, बढ़िया तरीके से फ्लेक्सिंग करना होगा, और इस तरह का जो सीटीसी आता है, यानी देखिए क्या लिखा है, कमर्शियल टेक्निकल केमिकल, है ना, ये जो सीटीसी आता है इसको डाल करके इसको अच्छे तरीके से फ्लेक्सिंग करना होगा, जिसके जरिए हम इसके चोक को, इसके अंदर के कचड़े को साफ कर पाएंगे। इससे रिलेटेड किस प्रकार से यह काम करता है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए वीडियो पे बने रहिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।